300 ग्राम मटन को अच्छी तरह से धो लिए हैं। आज इसी का रेसिपी बनाएंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। मटन को मैं मीडियम साइज के टुकड़ों में कट कर ली हूँ ताकि जल्दी सीज जाए। इस मटन को मैं घर में रखा हुआ मसाला से ही बनाऊंगी, अदर्स कोई मसाला इसमें नहीं डालूंगी। मटन को बॉईल करने के लिए कुकर में डालेंगे और 4 से 5 सीटी तक मटन को सिझा लेंगे। डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, बॉईल होने वक्त उफन के ना गिरे इसीलिए 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, 2 कप पानी। कुकर का ढक्कन बंद करके बैठाएंगे गैस के ऊपर, मीडियम फ्लेम में इसे सिझाएंगे। देखिए गैस का फ्लेम मीडियम है, पहला सीटी आ गया। पांच सीटी तक मटन को सिझा लिए हैं, गैस को बंद कर देंगे और कुकर को खुद ही ठंडा होने देंगे। फिर से गैस जलाकर एक कढ़ाई को गैस के ऊपर बैठाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, डालेंगे साबुत गरम मसाला, 4 इलायची तोड़ा हुआ, 1 दालचीनी, 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 टुकड़ा जोयत्री का। स्टर करते हुए इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इससे अच्छा एक खुशबू ना निकलने लगे। देखिए फ्राई हो चुका है, जीरा, तेजपत्ता और सूखी मिर्च हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। डालेंगे 3 मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। स्टर करते हुए इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मटन में जिंजर गार्लिक का मात्रा कुछ ज़्यादा लगता है। स्टर करते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर ले। डालें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून गोलमिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून पानी मसाले को फ्राई करने के लिए। मीडियम फ्लेम में मसाले को तब तक फ्राई करें जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाला हल्का सा तेल छोड़ चुका है। गैस का फ्लेम लो करके देख लेंगे कुकर ठंडा हुआ है कि नहीं। देखिए कुकर ठंडा हो चुका है, ढक्कन खोल लेंगे। कलछी के सहारे मटन को कुकर से बाहर निकाल कर एक प्याले में रखेंगे। मैं मटन को बॉईल करके बना रही हूँ, आप डायरेक्ट मैरिनेट करके भी बना सकते हैं। मटन बॉईल किया हुआ पानी भी एक प्याले में निकाल लेंगे। मैं एक्स्ट्रा पानी से ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, मटन बॉईल किया हुआ पानी से ही ग्रेवी बनाऊंगी। गैस में बैठाया हुआ मसाले के तरफ आ गई हूँ। अच्छी तरह से स्टर करते हुए डालेंगे बॉईल किया हुआ मटन। मटन को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। डालेंगे मटन बॉईल किया हुआ पानी, 2 कलछी। गैस का फ्लेम फिर से करेंगे मीडियम। स्टर करते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। डालेंगे चीरा लगाया हुआ कच्चा मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार तीखा डालें। 1 टीस्पून डालेंगे घी, 1/4 टीस्पून चीनी, चीनी टेस्ट को बैलेंस करेगा। स्वाद अनुसार नमक, मैं पहले भी नमक डाली हूँ मटन बॉईल करने वक्त। डालेंगे 1/2 टीस्पून पाउडर गरम मसाला। कलछी के सहारे स्टर करते हुए अच्छी तरह से मिला देंगे। 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर से डालेंगे 2 कलछी मटन बॉईल किया हुआ पानी। अच्छी तरह से मिलाते हुए मटन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक मटन अपना तेल ना छोड़ दे। देखिए तेल छोड़ चुका है मटन। डालेंगे मटन बॉईल किया हुआ पानी, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। मटन का जितना फ्लेवर मटन बॉईल किया हुआ पानी में है अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस का फ्लेम करेंगे लो टू मीडियम, 15 मिनट के लिए ढक देंगे। कवर को हटाएंगे। देखिए मटन पूरी तरह से सीज चुका है, इसी कारण ग्रेवी के ऊपर मटन का पूरा तेल फैला हुआ है। अच्छी तरह से कलछी के सहारे मिला देंगे। 2 से 3 मिनट तक मटन को खुले में पका लेंगे। गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ। एक मटन निकालकर प्लेट में रखेंगे। मटन इस वक्त बहुत गर्म है इसलिए हाथों से छू नहीं सकते। 2 कांटा चम्मच लिए हैं, इसी के सहारे मैं आपको दिखाऊंगी मटन कितना अच्छा सीजा है। तुरंत ही मटन हड्डी से अलग हो गया। मटन को एक छोटे से प्याले में सर्व किए हैं। इस मटन को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी, नान, पुलाव, फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को अवश्य बजाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।